और जी ये गाय भाग गई, गाय भाग गई, गाय क्या पूरा भैंसा है भाग गया भाई। बहुत खतरनाक वेदर आया हुआ भाई, बहुत खतरनाक वेदर। वही जो आप लोगों को मैं बता रहा था जिस गाय में हमारा हिस्सा है वो गाय ये भी। सुबह सुबह 12 बजे आँख खुली है मेरी, कुछ भी नहीं करा, मुंह तक नहीं धोया मैंने, मैं ऊपर आ गया अपने गुड्डे को लेके ऊपर आ गया। क्योंकि रात को तकरीबन कितने बजे लाया हूँ मैं बकरा, 2 बजे तक बकरा लाया था। और जब मैं बकरा लाया हूँ तो मेरे गुड्डे ने तो देखा नहीं। मौसम आप लोगों को पता है इतना अच्छा हो रहा है आज। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने गुड्डे को, बकरा दिखाता हूँ, देखता हूँ उसके इंस्पेक्शन कैसे होता है, कैसे देखता है ये बकरे को। आओ सर आओ देखिए। ये नवाब साहब भी देखता है, अभी मैं इसके इंस्पेक्शन खुद देखूंगा कि ये कैसे देख रहे हैं। ये क्या है, ये किसका बकरा आ गया? ये ईजान का बकरा है, ये ईजान के लिए आया है, नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर में जब ऊपर आऊंगा, ऊपर आने के बाद बकरा अभी खाना पीना कर ले, उसके बाद तुम्हें नहलाऊंगा मैं, नहाई नहीं करेंगे मजे से फुल नहाना तुम, सही है? क्योंकि रात को जब मंडी से आए थे ना भाई साहब तो बहुत गंदे थे, गंदगी तो मचा रहा है इसकी, तो खैर इसको तुम कर देंगे साफ, पर इसको नहलाना है क्योंकि मैं अपने बच्चे बच्चे जब आएंगे उनको हाथ वत लगाएंगे ना, तो बकरा होना चाहिए साफ सुथरा। अभी बारिश थोड़ी सी और तेज हो जाए, 12 बज रहे हैं, नींद भी आपके भाई की पूरी नहीं हुई, पर मैंने बोला था जल्दी उठना है, काम काज बहुत कर ले क्योंकि कल ईद है भाई, सामान वामान लेना, शॉपिंग वॉपिंग करनी है, कुछ भी नहीं करी अभी तक तो यार। मौसम एंजॉय करेंगे, नाश्ता करेंगे, सबसे पहले मुंह तक नहीं धोया, डायरेक्ट ऊपर आया हूँ, एक्साइटमेंट देखो। Few moments later. सामने की अपडेट ये है कि बारिश वापस स्टार्ट हो गई है, लोग अपने अपने जानवरों का ख्याल कर रहे हैं वापस, जिनको कल कुर्बानी करनी है वो ख्याल ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कल जीवा हो जाएगा। बट अब मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे है कामकाज, मैं जा रहा हूं बाहर, बकरे को मैंने बोला थोड़ा सा चिल मार ले तू, बारिश को एंजॉय कर ले थोड़ा सा, बकरे को वापसी अंदर बांधते, बारिश तेज स्टार्ट हो गई है, अंदर लेके चले भाई, वापसी अंदर लेके चले, भागो 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 भागो, चलो 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 अंदर 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 अंदर, जगह याद हुई तुम्हें नहीं हुई, अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, बारिश हो रही है, चलो 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 चलो, बिल्ली 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 भागी, बिल्ली और बकरे की क्लेश हो गए भाई, बिल्ली बोलिए मेरे एरिया में कौन आ गया, यहाँ पर अक्सर बिल्ली सोती है, आज बिल्ली से बोलेंगे माजरत, 2-3 दिन इसको रहने दो, उसके बाद तेरी जगह भाई, तू आगे कहीं ना कहीं सोती है। आपको मैं यहाँ पर बांध देता हूँ, अब इसकी सफाई भी थोड़ी सी बनती है। भाई फिलहाल तो मैंने प्लास्टिक रख दी है, मैंने कहा थोड़ी देर तो बैठ जा क्योंकि बाहर मैं जाता हूँ, बारिश के आसार देखता हूँ, उसके बाद जाने के बाद फिर इसको मैं वापस सही कर दूंगा। बहुत खतरनाक वेदर आया हुआ भाई, बहुत खतरनाक वेदर आया हुआ। Few minutes later. पूरा दिन गुजरने के बाद हमारे पास आ चुकी है उमेजा। मम्मी ने जम तो नहीं मार ली, मम्मी कहाँ गया यार, जरा ढूंढने चले मम्मी को यार, मम्मी कहाँ गया, अबे मम्मी है बेटा, अबे मम्मी है बेटा। क्या हाल है भाई आपके, आपसे पता है कौन मिलने आई है, उमेजा मिलने आई है, आपको पता है? अबे 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 हम कुछ नहीं किएगा यार, देखो मेजा को मैं इधर आता हूँ, मैं गोदी में आएगी मेरी, देखो इसका मैं खाना भी लाया हूँ, ये तो वो रखा हुआ और ज्यादा लाए, वो खिलाए, इतनी दूर से खाना खिलाओगी, मैं मुझे डर लग रहा है, डर रही हूँ मेजा, माशाल्लाह खाने में लगा हुआ है मस्त है, खाने में, खाने पीने के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बकरा बहुत अच्छा है। तो भाई बच्चे यहाँ पर जो है ना इनको खाना पीना करा रहे हैं, इसी ख्वाहिश के लिए बच्चों के लिए लेकर आया। तो मैं इस टाइम पॉलर आया हूँ, बैक साइड पे आप लोगों को नजर आएगा पॉलर है, बेगम यहाँ पर आई हुई है, बाइक ये खड़ी हुई है, उसने बोला है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप वेट कर लो मेरा, फिर तो उसके बाद निकलते हैं, अब मुझे लेनी है पिशावरी और हमारी ईद की शॉपिंग डन है। तो जी फाइनली घर पे आ चुके हैं, और घर पे आने के बाद आप लोगों से जो मैं बोल रहा था मुझे पिशावरी लेनी है वो मैंने ले ली है, वो मैंने आप लोगों को वहाँ इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बारिश वाला माहौल बना हुआ था और जल्दी जल्दी में ना निकलना था बाहर, तो मैंने सोचा जब सारी चीज़ें कर लें उसके बाद ही एक दफ़ा निकलते हैं, क्योंकि गाड़ी में नहीं गया था मैं, गया था बाइक पर, बाइक पर जाके ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई ये हम लेकर आए वहाँ से ये, ओ ये तो शौक से, अभी ये थोड़ी लाए होंगे हम, लाए भाई ये, आज तक लाइफ में मैंने कभी भी इस तरह की पिशावरी पहनी नहीं थी, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस करना था, मैंने सोचा था कि पिशावरी पहनेंगे इस ईद में, इजहान तो नवाब साहब खेल रहे हैं इनके साथ, इजहान के लिए भी इस तरह से कोई हम पिशावरी लाए आए थे, बट उसका कलर जो है ना वो थोड़ा स्किन कलर का है, बट मेरा कल का जो ड्रेस कुर्ता है वो कुर्ता है ब्लैक कलर का, तो मैंने बोला जब ब्लैक करना है तो टोटली सारी चीज़ें ब्लैक करते हैं, तो हम ये चीज़ लेकर आ गए थे, एक ये चीज़ लानी थी और मेरी शॉपिंग हो जानी थी डन। इजहान यहाँ पर उमेजा के साथ फुल प्लेंग प्लेंग चल रहा है, उमेजा आज आपने क्या क्या देखा, बहुत सारी कॉ देखी, एंजॉय करा आज, इसने जितना भी देखा है ना फिर भी कुछ नहीं देखा, अभी भी मिम्मी को खाना खिलाना है। बकरे को भाई हम लोगों ने नहलाया नहीं, हम ये सोच रहे थे कि हम इसको नहला देंगे, पर हमने अभी तक इसको नहलाया नहीं, क्यों, क्योंकि मौसम धूप नहीं है,
बारिश हो जाती तो हम इसको नहला देते, अभी तक बारिश हुई नहीं है तो हमने इसको बिल्कुल भी नहीं लाया। अब वो यहाँ पर खड़े मैदान को लेके, बाकी ये कि भाई खाना पीना से चल रहा है, सच में बस जम ना मार दे, इससे इसका डर है, बाकी तो सब अच्छा है। जान को मैं आ गया भाई, जान को कैसा लग रहा है भाई है? इसको अभी बस देखने में लग रहा है कि हाँ भाई कुछ है, जब थोड़ा बड़ा होगा एक दो साल का तभी पता चलेगा। असल में बाहर हम निकले थे, अभी हमने निकल के बाहर चेक करा है तो बाहर जो है ना अफरा तफरी चल रही है, क्योंकि आखिरी दिन है कल जो है ना वो पकड़ाई थे, तो कुछ लोग जिन्होंने जानवर लिए हुए वो जा जाके यहाँ से वो चादरें उठा रहे हैं जसला की वाली, कि ये बैठे हुए सुबह कुर्बानी करेंगे तो ये चादरें होंगी। यहाँ पर कसाई आए हुए हैं, कसाई के मामला तेब हो रहे हैं कि भाई पहले दिन काटना है, दूसरे दिन काटना है, तीसरे दिन काटना है, जिस दिन भी काटना है यहाँ पर कसाई के मामला तेब हो रहे हैं। अफरा तफरी चल रही है, मगरिब हो जाएगी थोड़ी देर में, अभी असर होगी उसके बाद मगरिब होगी। मेरे कुछ दोस्त हैं, अगर वो फ़ोन करते हैं तो मैं नीचे जाता हूँ। बाकी बकरा अपनी मर्जी से घूम रहा है, हमने बोला खुली छूट दे दी, हमने कहा जहाँ घूमना घूम। अच्छा हम इसको पकड़ो भाई, नहीं डर लगता नीचे छलांग ना मारते, ये मारते हैं छलांग नहीं मारेगा अभी। गुड्डा बाबा का गुड्डा एंजॉय कर रहा है, बकरायद एंजॉय कर रहा है। कहाँ जा रहे हो आप भाई, कहाँ जा रहे हो? और जी ये गाय भाग गई, गाय भाग गई, गाय क्या पूरा भैंसा है भाग गया है भाई। ओए आसिफ भाई रुक जा, मैं तुझे कॉल करता हूँ। ओपे 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 मार ना दे किसी को, रोड के बीच में भाग रहा है। अबे भाई कौन लोग है, किसका है भाई ये जानवर, अल्लाह जाने किसका जानवर है। यार इतनी बुरी तरह भैंस भाग रही है यार, ये तो नज़र भी नहीं आ रही, यहाँ से कहाँ गई। बचा तो होगा इस बंदे की भी, बचा तो होगा इस बंदे को भी, मार रही थी गई, भाग गई उम्मीद तो गाँव भाग गई भाई। ये तो अलग ही कोई सीन हो गया, सब पे खड़ा हूँ मैं कॉल पे, बातों में लगा हुआ वहाँ से, पता नहीं वहाँ से भागते हुए आ रही है रोड से, अब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा कौन भाग रहा है इनके पीछे, कहाँ कौन जा रहा है। पर भैंस जो है ना वो भागते हुए जा रही है भाई, अब तो नज़र भी नहीं आ रही मुझे कि कहाँ तक चली गई, कुछ नहीं समझ आ रहा। इन गाड़ी वालों को किसी की भी गाड़ी का नुकसान कर दिया ना, जिसने बेचारे ने खरीदा होगा उसके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहाँ है भाई, कहाँ है, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है भाई, अब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है भाई। सुबह से मैं सोच रहा था कि मैं अपना जानवर देखने के लिए जाऊँ जिसमें हमने हिस्सा लिया हुआ है, अब फाइनली आयशा और उमेज़ा इन दोनों को बुला लिया है। टाइम हो रहे हैं 6:48, मगरिब से पहले मैं सोच रहा हूँ देख कर आ जाऊँ उस जानवर को, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ शाफे सर इन दोनों को लेके, इनका राउंड का राउंड हो जाएगा, मैं देख भी लूँगा जानवर। तो भाई ये वाली जो गाय नज़र आ रही है ना, इस पे है हमारा हिस्सा, देखो ये देखो ये हमारी काऊ है, ये वाली है, हाँ ना ये वाली हमारी काऊ है, ये देखो, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। भाई जो आप लोगों को मैं बता रहा था जिस गाय में हमारा हिस्सा है वो गाय ये भी बहुत शरीफ गाय है, बछिया बछड़ा था, बछड़ा बछड़ा ऐसा आ जाओ आप लगाते, मारता नहीं है शरीफ है, मुंह ऊपर कर लेगा, मुंह ऊपर करेगा क्या, अच्छी है ना, नीचे भी कर लेगा लेडी आएगा भाई। ये के माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है, अभी देखा है बताओ, इस बारिश की वजह से अभी तक हमने अपना जानवर नहीं देखा था भाई। माशाल्लाह भाई बहुत खूबसूरत जानवर है, खड़ा होगा नहीं, बैठने दो, सकून से बैठा हुआ है, पूरी बारिश में ऐसी बैठा हुआ होगा, बारिश में बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, एंजॉय कर रहा था, हाँ दुम मोड़ के, अरे बैठे रहते जानवर को बेचारे को, अरे कहा की कोशिश नहीं हो रहा खड़ा, तो भाई हम निकल ले, कब कुर्बानी करेंगे भाई हम इसकी, इसकी कोशिश तहा की कोशिश, एक जानवर नहीं खड़ा कर पा रहे तुम, आगे से रस्सी खींचोगे ना यूं मोरा पकड़ के यूं, ये देखो मेरे से हुआ है खड़ा, मेरे से हुआ है खड़ा। ये भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है अभी आज नहीं लाया भाई, जो लोग पूछ रहे थे हमारा जानवर कहाँ है तो ये रहा, ये भी इसका, ये क्या अभी लगी थी उतरते थे पहले की, ये लग गई थी ना, चलो 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 माशाल्लाह अच्छा जानवर है। इससे पहले मगरिब हो जाए हम अपनी खाला का जानवर देख कर आते हैं, तो ये वाला वही वाला है जो हम 139 में लेकर आए थे, साफ सुथरा कर दिया इसको, ये भी खड़ा हुआ है वहाँ पर, वाले जानवर खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये खड़ा हुआ है, ये भी माशाल्लाह से नहा धो के साफ सुथरा हो गया बहुत। तो भाई तकरीबन मगरिब होने वाली है, उमेज़ा और हाइशा तहायरा खाला की गाय है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी गाय भी सुकून से पहले उस साइड पे खड़ी होती थी, बट फाइनली यहाँ पर इन लोगों ने लाके रख दिया, ऊपर शेड वेड लगा दिया, यहाँ पर गाय सुकून से खड़ी हुई है। इन लोगों ने काफी टाइम पहले 20-25 दिन पहले तकरीबन ले लिए थे वाला जानवर, बहुत प्यारा जानवर है, क्या बात है क्या बात है, ओए माशाल्लाह। अब आप चेक करो जब खड़ा हुआ जानवर, फाइनली हम लोगों ने देख लिया सारे जानवर, आज सुबह सुबह इसकी कुर्बानी हो जाएगी, पहले दिन होती है, ऐसा है
काट रहा है सुबह जानवर को इंशाल्लाह या कटवा रहा है? कटवा रहा है ना, रियाज भाई आएंगे ना। लगा दे भाई लाइट, लगा दे, आखिरी रात गुजारने दे उसको लाइट में। Few moments later. तो जी फाइनली घर आ चुके हैं और अभी जितनी जगह निकला हुआ था मगरिब हो गई थी, जल्दी जल्दी आके मगरिब की नमाज पढ़िए घर पे। और उमेजा को तो मतलब घर जाने का नाम ही नहीं ले रही, अभी भी यहाँ बैठी हुई। आप लोगों को दिखाऊं तो ये बैठी हुई उमेजा, आयशा, इजहान, ये तीनों बैठे हुए। उमेजा घर जाने का नाम नहीं ले रही। बकरायत का जब भी टाइम आता ना, ये घर जाने का नाम नहीं लेती। इसका सिर्फ एक ही तकिया कलाम होता है कि मैमे को खाना खिलाना है। लेके जाते तो डरती है, रोती है, ये बातें करते हैं साइड। अब आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों में से अगर जो अभी तक नया आया है तो यार जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि कल वल फिर से व्लॉग मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, मज़ा आएगा। और जो लोग अभी तक मुझे देख चुके हैं ईद से पहले, तो उन लोगों को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। तीसरी चीज़ क्या थी? तीसरी चीज़ यही थी कि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय। ख्याल रखना आप लोग अपना, मिलते हैं कल, बाय बाय। ईद मुबारक। देखिए मुझे पहले